कबूतरों को लग रहा है मैं दाना देने आया हूँ। देखते हैं अगर दाना मिलता है तो दाना देते हैं इनको। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी का प्लान ऐसा है कि अभी गोलू का एग्जाम है, सो अभी टाइम हो रहा है 12:10 और 2 बजे का एग्जाम है। सो काफ़ी दूर सेंटर है, 30 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो हम निकल रहे हैं, 34 किलोमीटर है। सो हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि अब पहला दिन है एग्जाम का, सो लेट नहीं होना चाहते, पता भी नहीं है क्या जाम वाम लग सकता है। सो निकल रहे हैं, मैं और गोलू जा रहे हैं। सो बस तो आपको दिखाता हूँ, गोलू भी पूरा रेडी हो चुका है। सो निकलते हैं अब। हम पहुंच चुके हैं एग्जाम सेंटर पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, गोलू फुल तैयार नहीं है पेपर के। सो बेस्ट ऑफ लक बोल दो भाई, काफ़ी टाइम है, 20 मिनट टाइम। हाँ भाई, बेस्ट ऑफ लक। गोलू तो जा चुका है एग्ज़ाम देने, अब 3 घंटे का एग्ज़ाम है। सो आई थिंक मुझे वेट करूँ या जाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं सोच रहा हूँ घर ही चले जाते हैं क्योंकि यार 3 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वेट करने में, हालत ख़राब हो जाएगी। तो देखते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे, अगर कोई पार्क वगैरह हो या कहीं घूमने की जगह हो वहाँ चले जाते हैं। गाइस मैं घर पे गया नहीं, मैं यहीं पे वेट करने लगा क्योंकि यार मैंने सोचा वो घर जाऊंगा फिर वापस आना पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च और भी मतलब मैं टाइम वेस्ट। तो यहीं पे वेट कर रहा था, देखो पीछे से सारे कबूतर है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:47 और सोच रहा हूँ कुछ खा के आऊँ। यहाँ पे कबूतरों को लग रहा है मैं दाना देने आया हूँ, देखते हैं अगर दाना मिलता है तो दाना देते हैं इनको। गाइस फाइनली कम से कम 1 से 2 किलोमीटर घूम चुका हूँ, मतलब यहाँ पे खाली स्कूल इंडस्ट्री वगैरह ही है। सो कुछ खाने का था नहीं, सो अभी मिली है फाइनली यहाँ पे। सो नान और मटर पनीर है इसके पास, सो खाते हैं, लेके आते रायता भी है। सो देता हूँ ऑर्डर फिर देखते हैं। गाइस फाइनली अब जाके मिला है हमें खाना, सो पनीर मटर पनीर सब्जी रायता। और लोकेशन देख लें, पूरा जंगल है, पीछे फ्लैट वगैरह, यहीं पर बैठे खा लिया। सो गाइस खाना पीना खा लिया है और अब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि यार रात में भी लेट सोया था, क्या करे बता। तो कार होती तो कार में ही सो जाता, इसमें तो दिक्कत है यार सोने में भी, कैसे सो सकता है इंसान एक, मैं थक गया हूँ। तो गाइस आप लोगों ने किसी को इस तरह लेटे हुए देखा होगा, हम मस्त बाइक पे लेटा हुआ क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, खाना पीना खा लिया था और ऐसे ही वेट कर रहा हूँ। सो ऐसे आराम भी कर लेते हैं, थोड़ा धूप आ रही है मस्त, छाँव में बाइक लगाई थी पहले तो ठंड लग रही थी, सो धूप में लगा रखी है। सो अब ज़्यादा वेट नहीं करना, अभी टाइम हो रहा है 4:00, देखते कितना तो वेट करना है। सो मैं इस साइड आ रहा हूँ, मतलब स्कूल से थोड़ा उससे पीछे वाली गली में आ रखा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे ऐसे लेटूंगा सब देखेंगे। वहाँ पे बाइक खड़ी करके और मैं बच गया तो मार ही देता। सो गाइस बच्चे आने स्टार्ट हो चुके हैं,
देखते हैं गोलू कहाँ है। कैसा गया? कौन सा इधर देखो। अच्छा घर जाने से पहले हम कुछ खाने आ चुके हैं सेक्टर 12-22, सो कुछ खाते हैं मोमोज वगैरह फिर घर चलते हैं। टाइम हो गया है 5:46। तो गाइस गोलू मोमोज लाया, मेरा खाने का मन नहीं है सो गोलू ही खाया। सारा मुझे कुछ पता नहीं था। तो गाइस मेरा प्लान तो नहीं था खाने का, लेकिन मैंने खाया तो पूरा ख़त्म हो गया, सो गोलू के लिए एक और ले लिया। मतलब गोलू ने भी खाया, मस्त बन रहा है। सो गाइस घर पहुंच चुका हूं और मम्मी बनाने में लगी है चाय, तो चाय पीते हैं उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है आज का। बहुत ज़्यादा थक गया, मैं क्वेश्चन पेपर भी गिर गया, तो टैली कैसे करूंगा। सो क्वेश्चन पेपर रास्ते में ही गिर गया। गाइस हमारी चाय आ चुकी है, चाय के साथ है हमारे पास आलू भुजिया, सो खा रहे हैं। और ये सुमित भी आया हुआ है हाई स्टडीज करने। हाई स्टडी करने, ये घर पे इसकी स्लो स्टडी होती है, यहाँ पे हाई स्टडी होगी। घर पे इसका पढ़ नहीं पाता ये, मेरे घर पे इसका पढ़ने का मन नहीं लगता। यहाँ पे जब मारूंगा ना पाँच डंडे अपने आप आए, घर पे एक भी फॉर्मूला याद नहीं होता, से यहाँ पे याद हो जाता है। मुझे फॉर्मूला लिख के दे देना सारे, यहाँ लिख के वो तो ऑनलाइन भी निकाल सकता है, याद करना होता है। इतने स्टेट आया मैंने, परदेसी गया, सच्चाई भी गया। ये वाले स्टेट कौन लगाता है कि वो कौन सा लगाता है? लंच भी नहीं अभी स्टेट लगा, तो हर कोई कर लेता है मित्रा, लेकिन हम जैसी दोस्ती कौन कर पाता है। अभी लगाए थे स्कूल वाले स्टेट लंच बॉक्स में खाना, मेरी जान लंच तेरे बीच खाना है मेनू। और ये इतने तक अभी इंस्टा चला रहा है, ये इंस्टा चलाने ये छोटे बच्चे देखे, ये बच्चे पढ़ बंद कर इसे, बंद ही है ये बोर्ड चल रहे हैं अभी, चल नहीं रहा प्री बोर्ड है, वो भी बोर्ड ही की तरह है भाई, सेम नंबर के होंगे ना। हाँ तो क्या इसका खाने में है हरी दाल, भटकी दाल भटके दुख के और सब्जी, सो खाते हैं। इस खाना भी डन हो चुका है और गोलू अभी देखने में लगा है हमारा व्लॉग, तो गोलू को अभी टाइम मिला है व्लॉग देखने का हमारे, क्योंकि ये पेपर के मतलब पेपर था इसका भी वो पढ़ने में लगा था, सो अभी ब्लॉग देख रहा है कल वाला। गाइस को ब्लॉग देख रहा है और खाना पीना हमने खा लिया, अब थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर, मम्मी वगैरह भी सबने खा लिया है। सो आज कुछ ज़्यादा वीडियो में दिखा नहीं पाया, छोटी वीडियो बनेगी, कल देखते कहीं जाते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, मैं नीचे था मैं एडिट करने लगा वीडियो को, सो एडिटिंग हो गई है, अब जाते हैं ऊपर सीधा सो जाएंगे। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे और डेली देखते रहिए।